11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 11th की फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बिल्कुल सही सुना आपने, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 6th वीडियो लेक्चर पे। और बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के दूसरे भाग की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स के तीसरे वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूं। यानी आज का जो ये वीडियो लेक्चर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये नो डाउट आज आपको एक टॉपिक जरूर सिखाएगा, लेकिन ये टॉपिक को सीखने से पहले आपको बहुत कुछ आना जरूरी है। एक बच्चा बोला मतलब कि आज का टॉपिक एक कंटिन्यूटी का टॉपिक है। हाँ जी मेरे बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर पूरी तरह से एक कंटिन्यूटी का वीडियो लेक्चर है, जिसको समझने के लिए आपको इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स को बखूबी देखना होगा और समझना होगा। तो वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अभी तक कोई टॉपिक नहीं देखा है, मैं उन्हें समझा दूं कि बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फिजिक्स की एक बहुत वास्ट यूनिट है। इसे समझाने में, इसे कराने में मैं आपके साथ बहुत सारे लेक्चर्स शेयर करूंगा। हो सकता है करीब करीब भी तो 15 से 20 लेक्चर मुझे इस वीडियो, इस यूनिट को समझाने के लिए आपके साथ शेयर करने पड़े। लेकिन अब तक क्या बना चुका हूं या अब तक क्या बता चुका हूं वो बता देता हूं। मैंने इस यूनिट के भाग एक यानी कि पार्ट वन सॉलिड्स को 3 वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से खत्म किया है, और इस यूनिट के भाग दो जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स, उसका आज ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। और हां, आज के इस वीडियो लेक्चर से मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोस्टैटिक्स का खात्मा, जी हां, क्योंकि इससे पहले वाले 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से हाइड्रोस्टैटिक्स कवर कराया है, जिसमें पहला भाग था इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोस्टैटिक्स और दूसरा था द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैपिलैरिटी। यानी आज के वीडियो लेक्चर में हम लिक्विड्स के द्वारा शो किए जाने वाली एक नई प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। अभी तक मैं लिक्विड्स के द्वारा शो किए जाने वाली कई सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी थी लिक्विड्स का प्रेशर, एक प्रॉपर्टी थी लिक्विड्स की सरफेस टेंशन, और आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड्स की एक और नई प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं कैपिलैरिटी। अब होता क्या है कैपिलैरिटी? कैपिलैरिटी समझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एक बच्चा कहता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? देखो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी है कि कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है। भाई कॉन्टैक्ट का मतलब है कॉन्टैक्ट, दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट में आ रही है, लेकिन दो चीजें जब आपस में कॉन्टैक्ट में आ रही है तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रही है, क्या मैं उसे कह सकता हूं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एक बच्चा कहता है हाँ, अगर मेरा ये एक हाथ है और मेरा ये एक हाथ है, मैंने इसे ऐसे रखा और ऐसे इसे ऐसे रखा, सो कैन आई से दैट माय बोथ द हैंड्स आर एट एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 90 डिग्री? कैन आई से दैट नाउ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट? कैन आई से दैट नाउ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज? ऑब्वियसली बात है, बड़ी बेसिक सी चीज है, लेकिन फिजिक्स में इस चीज को कैसे समझना है? फिजिक्स में हम इस चीज को समझ रहे हैं लिक्विड की टर्म्स में। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल, क्या जितने भी लिक्विड्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने आसपास देखते हैं, आपको क्या लगता है वो सभी लिक्विड्स एक जैसे हैं? ऑब्वियसली बात है नहीं। अगर मैं आम तौर पे सिर्फ तेल, तेल मतलब कि ऑयल, और पानी, पानी मतलब कि वाटर, इसी का अगर मैं जिक्र करूं तो यार तेल और पानी दो ऐसे लिक्विड है जिनका नेचर एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। रहकर आप अच्छी तरह जानते हैं 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों कि ऑयल एंड वाटर बोथ आर इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे में आसानी से मिक्स नहीं होते। अब क्या? क्योंकि इनका नेचर अलग है। अब 2 मिनट के लिए हम ऑयल और वाटर को हटा देते हैं। अगर मैं एक बहुत ही और कॉमन एग्जांपल की बात करूं जिसे हम कहते हैं मरकरी। अब कॉमन इसलिए कि मरकरी हमें ऐसे तो कहीं नहीं दिखता, लेकिन थर्मामीटर में तो हम सबके पास होता है। जब नॉर्मल हम लोगों को फीवर होता है तो हम लोग मरकरी वाले ही थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा, जब ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्विंग मैनोमीटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। हालांकि लोगों के पास आज की डेट में डिजिटल मशीनें आ चुकी है, लेकिन मैं मरकरी वाले उस बीपी मॉनिटर की बात कर रहा हूं जिसमें मरकरी ऊपर जाता है ऐसे ऐसे प्रेशर लगा के। तो मरकरी भी एक लिक्विड है, और आपने अपनी लाइफ में आई डोंट नो कि वेदर कभी
थर्मामीटर को टूटते हुए देखा है कि नहीं देखा, बट वंस इन अ लाइफ टाइम शायद हम सब ने देखा है। और अगर नहीं देखा है तो कभी ना कभी आप इस चीज को देख सकते हैं। सस्ता सा एक थर्मामीटर लाओ, तोड़ के देखो, उससे मरकरी बाहर निकलती है। और कभी आपने देखा कि मरकरी एक ऐसा लिक्विड है, जब वो बाहर निकलता है और फैलता है तो वो छोटी 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 बॉल्स बनाता है, स्फेरिकल शेप। उसे हम बॉल इंग्लिश में कह रहे हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में उसे ड्रॉपलेट कहते हैं। सो आई हैव टू एक्सप्लेन यू टू सिचुएशंस। अरे तो चार हो गई, अच्छा टू सिचुएशंस। पहली सिचुएशन, वेदर अ लिक्विड विल स्प्रेड और वेदर अ लिक्विड विल ड्रॉपलेट। मुझे आपको दो चीजें समझानी है। पहली चीज कि कोई भी लिक्विड अपने आप को फैलाएगा या कोई भी लिक्विड अपने आप को सिमटेगा। जब कोई लिक्विड अपने आप को फैलाएगा तो वो फैल जाएगा, लेकिन जब कोई लिक्विड अपने आप को समेटेगा तो वो सिमट जाएगा। एक बच्चा कहता है सर पॉइंट पे आओ। अच्छा ठीक है, मैं पॉइंट पे आता हूं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक सरफेस है, एक सरफेस में मैंने मरकरी को गिराया, एक सरफेस में मैंने पानी को गिराया। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन फैलेगा? कॉमन सेंस। एक बच्चा कहता है सर अगर आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं भी करके दिखाओगे ना तो मेरी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि मैं खुद ही इमेजिन कर सकता हूं कि होगा क्या। एक बच्चे से मैंने पूछा क्या होगा, कहता है सर वेरी सिंपल, ये हम जानते हैं, इतना तो हम क्लास 11 के स्टूडेंट जानते हैं, बेसिक फंडा अगर हम लगाए तो पानी सरफेस पे फैल जाएगा, मरकरी सरफेस पे सिमट जाएगा। बिल्कुल सही। तो लेट मी टेल यू माय डियर क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों के अलग 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 प्रकार के लिक्विड्स जब किसी सरफेस पे गिराए जाते हैं या जब किसी सरफेस पे रखे जाते हैं या जब किसी सरफेस पे फैलाए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो फैल जाए, हो सकता है कि वो लिक्विड सिमट जाए। एक बच्चा कहता है सर हाउ डज इट रियली डिपेंड, ये चीज किस स्पीशीज पे डिपेंड करती है, हमें कैसे कैसे पता चलेगा कि कोई भी लिक्विड फैलेगा या कोई भी लिक्विड सिमटेगा। इसे पता लगाने का पहला स्टेप है एक्सपेरिमेंट करके देख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और दूसरा स्टेप है कि आप लिक्विड के नेचर को समझो। बेटा कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो अपने आप को समेट लेते हैं, हाँ हाँ वो तो हमें पता है, लेकिन क्यों? बिकॉज उन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। मरकरी के साथ यही होता है, और ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि फिजिक्स की दुनिया में और केमिस्ट्री की दुनिया में अलग 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 मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग 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 प्रकार के फोर्सेस होते हैं, और उन फोर्सेस को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन, एक जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। और इसका जिक्र मैंने फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन में भी बहुत अच्छे से किया था। फोर्स ऑफ कोहेशन वो फोर्स होता है जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में होता है, पानी का पानी से, लकड़ी का लकड़ी से, कांच का कांच से, कागज का कागज से, कपड़े का कपड़े से, पानी का पानी से, तेल का तेल से, हवा का हवा से, जो होता है प्यार, मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। अब अगर मैं लकड़ी की टेबल पे पानी फैलाऊंगा तो आपको क्या लगता है पानी अपने आप को समेटेगा? नहीं, रैदर पानी लकड़ी पे फैल जाएगा। इसका मतलब पानी का लकड़ी से जो है प्यार, इसका मतलब पानी का लकड़ी से है जो प्यार वो है ज्यादा एज कंपेयर टू पानी का पानी से प्यार। लेकिन वही अगर मैं उस लकड़ी के सरफेस पे मरकरी को फैलाता हूं तो आपको क्या लगता है कि मरकरी क्या फैलेगा? नहीं, रैदर मरकरी विल फॉर्म अ ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट इसका मतलब मरकरी का खुद से है जो प्यार, इसका मतलब मरकरी का खुद से है जो प्यार, यानी मरकरी का मरकरी से जो है प्यार वो है कई ज्यादा ताकतवर एज कंपेयर टू मरकरी का उस लकड़ी के सरफेस से जो है प्यार। अब इस चीज को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई भी लिक्विड जब फैल जाता है तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम जनरली जब भी बनाते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, कोई भी लिक्विड जब फैल जाता है उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब भी हम बनाते हैं फैल जाता है। मैं फैले की बात कर रहा हूं, मैं सिमटे की बात नहीं कर रहा हूं। जब कोई लिक्विड फैल जाएगा तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम बनाते हैं, और जब कोई लिक्विड सिमट जाएगा, सिमट मतलब कि इस तरह से सिमट जाएगा, तो हम उसका भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं। ये देखा गया है कि सिमटा हुआ लिक्विड, सिमटा हुआ मतलब जो सिमट जाता है, उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है, और जो लिक्विड फैल जाता है उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज होता है। एक बच्चा बोला मतलब
मैं कुछ समझाने, मैं जानना चाहता हूं, आओ। क्योंकि आप ये चीज जानना चाहते हो तो बखूबी मैं आपको समझाऊंगा। हमारा टॉपिक जो छिड़ चुका है या इनफैक्ट जो आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं वो बेसिकली दो तरह का टॉपिक है, मतलब दो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इनफैक्ट और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने बातों बातों में खत्म ही कर दिया है, और दूसरी चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी। इनफैक्ट आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये पूरी तरह से कैपिलैरिटी पे बेस्ड है। मुझे आपको कैपिलैरिटी सिखाना है, लेकिन कैपिलैरिटी को सिखाने के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बताना जरूरी है। तो अगर सपोज कीजिए ये एक सरफेस है और एक लिक्विड ने अपने आप को ड्रॉपलेट की फॉर्म में बना लिया है, और ये एक सरफेस है और एक लिक्विड ने अपने आप को ऐसे फैला दिया है, तो जो फैलने वाला लिक्विड होता है, मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनना, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे जो लिक्विड है इसका जो हम टेंजेंट बनाएंगे वो टेंजेंट ऐसे बनता है, टेंजेंट, इसे टेंजेंट कहते हैं। और ये एक है, इस पॉइंट पे तीन तरह की सरफेस टेंशन होती है, एक जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड विद लिक्विड, एक जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड विद एयर, एक जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विद एयर। यानी इसे हम कहते हैं सॉलिड का लिक्विड से प्यार, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सॉलिड का लिक्विड से प्यार, इसे हम कहते हैं सॉलिड का हवा से प्यार, इसे हम कहते हैं सॉलिड का हवा से प्यार, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है लिक्विड का हवा से प्यार। आपको क्या लगता है, सुनना मेरी बात जो मैं बता रहा हूं, दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसे कहते हैं सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड विद एयर, और ये क्योंकि लिक्विड है, क्योंकि ये लिक्विड है तो इसे कहा जाएगा सरफेस टेंशन, सुनेंगे मेरी बात, सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड विद लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, एक बार डायग्रामेटिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट को देख लीजिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। अब क्योंकि यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो यहां पे तीन तरह का प्यार है, सॉलिड का लिक्विड के साथ, सॉलिड का एयर के साथ, लिक्विड का एयर के साथ। एक बच्चा कहता है सर आपने ये सॉलिड को हवा के साथ यहां क्यों लिखा, यहां तो लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट में। हाँ, इसलिए हम इस हिस्से को मानते हैं सॉलिड और हवा का कॉन्टैक्ट, इसे मानते हैं सॉलिड और हवा का कॉन्टैक्ट, तो इसे बोल देते हैं सॉलिड विद एयर, तो इसे बोल देते हैं सॉलिड विद लिक्विड, और इसे बोल देते हैं लिक्विड विद एयर, सॉरी यहां पे मैंने एस एस एल लिख दिया, लिक्विड विद एयर, लिक्विड तो हवा में है, तो यहां पे ये लिक्विड हवा के कॉन्टैक्ट में है, यहां पे ये लिक्विड सॉलिड के कॉन्टैक्ट में है, और यहां पे सॉलिड हवा के कॉन्टैक्ट में है। तो आपको क्या लगता है, इस सिचुएशन में साफ पता चल रहा है, इस सिचुएशन में साफ पता चल रहा है कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विद हवा इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विद सॉलिड, यानी लिक्विड का हवा से है जो प्यार वो उस प्यार से कहीं ज्यादा है जो लिक्विड का सॉलिड के साथ है। लिक्विड कहता है ए सॉलिड मैं तुझ पे नहीं सिमट पाऊंगा, मेरा प्यार है हवा से, मैं उसी के साथ सिमट जाऊंगा, और इसलिए क्योंकि मेरी मोहब्बत है हवा से ज्यादा इसलिए मैं तेरे साथ नहीं फैल पाऊंगा। एक बच्चा कहता है सर क्या मोहब्बत क्या सिमटा ये सब क्या लगा रखा है, आप सीधा पॉइंट की बात क्यों नहीं करते। यार बच्चों मुझे ये बताओ, फिजिक्स में, फिजिक्स की भाषा के अंदर या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर सीधा किताबी भाषा का इस्तेमाल करके कुछ अगर मैं बोल दूं और बिना मतलब समझाए आगे बढ़ जाऊं तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं ना। तो इसलिए मतलब समझाने की है मुझे एक बड़ी गंदी सी बीमारी, और मैं बड़ा हूं खुश अगर रहे लगातार ये बीमारी मुझे, किस चीज की, मतलब समझाने की, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूरी है, इसलिए मैं बहुत सिंपल सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। अब आप पेपर में ये मोहब्बत और प्यार तो लिख के नहीं आएंगे ना, पेपर में आपको अट्रैक्शन लिखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपल शब्दों में कहूं फोर्स ऑफ एडहेशन और फोर्स ऑफ कोहेशन। और मैं कहता हूं वो भी क्यों लिख रहे हो, सरफेस टेंशन का वर्ड कम पड़ रहा है क्या, ये सिर्फ मतलब के लिए था, तो आप सिंपल शब्दों में लिखोगे व्हेन एवर अ लिक्विड इज नॉट एबल टू स्प्रेड इटसेल्फ देन द लिक्विड विल फॉर्म अ ड्रॉपलेट, when the liquid forms a droplet then the surface tension of liquid
with air is greater than the surface tension of the liquid with the solid. And in that case, the angle of contact formed by the liquid with the solid is an acute angle, is an obtuse angle आपके सामने. ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो angle बन रहा है वो obtuse angle बन रहा है. एक बार अच्छे से देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे class 11 के बच्चों, यानी यहाँ पे जो angle बनता है ये obtuse angle बनता है. इस केस में मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि जब कोई liquid, I repeat my sentence, जब कोई liquid सिमट जाता है, मैं फैल जाता हूं की बात नहीं कर रहा हूं, जब कोई लिक्विड सिमट जाता है, यहां फैला हुआ बोल दिया मैंने, जब कोई लिक्विड सिमट जाता है तब उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑप्ट्यूज बनता है, तब उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑप्ट्यूज बनता है. मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, बेसिक चीज समझाइए, इतना समझ आना चाहिए. अब बात करता हूं इसकी, यहां पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा, और ये एंगल थीटा. तो यहां साफ साफ पता चल रहा है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विद सॉलिड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विद एयर, और पीछे की तरफ मैं कह सकता हूं सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड विद एयर. यहां साफ पता चल रहा है कि सरफेस टेंशन लिक्विड की सॉलिड के साथ इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड हवा के साथ. Therefore, यहां पे जो एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल बनता है. एक्यूट एंगल बनता है कब? तब जब कोई लिक्विड किसी सरफेस पे फैल जाता है. तो ये कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं ये कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक छोटी सी थ्योरी की बात है. क्योंकि जब आप किताब खोलोगे तो आपको एक किताब में लिखा हुआ, बना हुआ, समझा हुआ अच्छे से बताया जाएगा. तो जब ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है तो मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों. आई होप आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का बेसिक मतलब समझ आ गया. तो एक बच्चा कहता है सर मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में हम सिर्फ दो बातें अपने दिमाग में रख लें. कौन सी? पहली बात, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो एंगल होता है जो किसी भी लिक्विड के द्वारा उस सरफेस के साथ बनता है जिसके वो कॉन्टैक्ट में है. ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दो तरीके से बन सकता है, या तो ये एक्यूट बनेगा या ये ऑब्ट्यूज बनेगा. एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूज बनेगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो लिक्विड जिसे आप किसी सरफेस के कांटेक्ट में ला रहे हो वो उस पे सिमटने वाला है या फैलने वाला है. वो लिक्विड उस सरफेस पे सिमटेगा या फैलेगा वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि उस लिक्विड की सरफेस टेंशन उस सरफेस के साथ क्या है. अगर उस लिक्विड का उस सरफेस से है ज्यादा प्यार तो वो लिक्विड सिमट जाएगा. अगर उस लिक्विड का खुद ही के मॉलिक्यूल से है ज्यादा प्यार, ना मैंने गलत बोल दिया, अगर कोई लिक्विड का किसी सरफेस से है ज्यादा प्यार तो वो फैल जाएगा, सिमट नहीं. अगर आप सुन रहे थे तो आप मेरी मिस्टेक ढूंढ पाए होंगे, अगर आप नहीं सुन रहे थे तो आपको पता भी नहीं चला होगा. मुझे तो रियलाइज हो गया कि मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूं सुनो. अगर कोई लिक्विड का किसी सरफेस से है ज्यादा प्यार तो वो लिक्विड उस सरफेस पे फैल जाएगा. अगर किसी लिक्विड का खुद से है ज्यादा प्यार तो वो लिक्विड सिमट जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मरकरी, फॉर एग्जाम्पल पानी. जब कोई लिक्विड सिमट जाता है तो उसका एंगल ऑब्ट्यूज बनता है, जब कोई लिक्विड फैल जाता है तो उसका एंगल एक्यूट बनता है. एक बार इस पूरे बोर्ड पे मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें, मेरे द्वारा बताई हुई सारी जानकारी को अपने दिमाग में बिठा दीजिए मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों. एक बच्चा कहता है सर ठीक है हम आपके द्वारा ये सारी जानकारी अपने दिमाग में बिठा लेंगे, लेकिन क्यों? Why do we really need to pay attention to this topic? Is this topic really relevant? अरे रेलेवेंट नहीं होता तो इस वीडियो में मैं 20 मिनट ना लगा देता इस टॉपिक को समझाने में. आप ध्यान से देखो 20 मिनट तो अप्रोक्सीमेटली हो ही गए हैं मुझे समझाते. आप टाइमलाइन चेक कर लेना. अब सवाल आता है सर नेक्स्ट चीज क्या है? हेडिंग क्या लिखी है बच्चों? मैंने हेडिंग लिखी है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव रिटन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी. अ कैपिलैरिटी इज अ वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ ठहरा हुआ पानी, और ठहरे हुए पानी को ही हम कहते हैं स्टैटिक वाटर, और हम वही पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द लिक्विड्स विच आर एट रेस्ट, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जो उन चीजों के साथ या उन लिक्विड्स के साथ ताल्लुकात रखती है जो ठहरे हुए, उसी को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। अब इससे पहले कि ये सब कुछ लिखा हुआ मैं मिटाऊं और ये मिटाकर मैं आगे की बात लिखकर बताऊं, क्यों ना मैं वर्बली आपको वो सारी चीजें समझाऊं जो मुझे आपको समझानी है। एक बच्चा बोला क्या सिंपल, आप ध्यान से देखिए, आपको बोर्ड पे हेडिंग नजर आ रही है और हेडिंग का नाम है कैपिलैरिटी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैपिलैरिटी क्या है और कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है, मैं सीधा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, कांच की जो बॉटल आती है पेप्सी वाली, कोको कोला वाली, थम्सअप वाली, उसमें आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप उसका कैप ओपन करते हैं इस तरह की एक आवाज आती है। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व है, या आप कह सकते हैं डिजॉल्व है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि वो अक्सर जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हमें एक स्ट्रॉ दी जाती है। बिल्कुल सही, स्ट्रॉ आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्यों दी जाती है, क्योंकि स्ट्रॉ की मदद से हम वो पीते हैं। एक बच्चा कहते हैं हाँ तो क्या, कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, जस्ट इमेजिन कि अगर वो स्ट्रॉ का डायमीटर धीरे 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 एक बड़ा करके एक पाइप बना दी जाए। पाइप मतलब कैसा वाला पाइप? हम लोग अपने गार्डन में पाइप यूज करते हैं, मान लो गार्डन के पाइप का एक टुकड़ा काट के मैंने आपको दे दिया, आपको क्या लगता है कि स्ट्रॉ के जरिए सक कर पाना और गार्डन में जो पानी छिड़कने के लिए हम लोग पाइप इस्तेमाल करते हैं उसका एक टुकड़ा काट के अगर मैं स्ट्रॉ बना दूं, अगर मैं आपको वो दे दूं, आपको क्या लगता है, आपको इमेजिन करना है कि दोनों में से किस केस में, व्हाट डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी इजी टू सक द कोल्ड ड्रिंक, टू पंप इट अप, आपको क्या लगता है? वेरी सिंपल, इमेजिनेशन ही बहुत है। आप अच्छी तरह जानते हो कि स्ट्रॉ में ज्यादा आसानी से आप कोल्ड ड्रिंक पी पाओगे एज कंपेयर टू वो पाइप, पी तो उसमें भी लोगे लेकिन इतनी आसानी से नहीं। यू नो व्हाई बिकॉज अ लिक्विड सेज दैट आई हैव अ टेंडेंसी टू राइज वेरी इजिली इनटू अ ट्यूब ऑफ अ स्मॉल डायमीटर। किताब जब आप खोलोगे ना तो उसमें लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट राइजेस एंड फॉल इजिली into a tube of a very small bore। वहां पे एक word use किया गया bore, bore। वो bore का मतलब कुछ और नहीं, diameter ही है। तो घबराना मत। दोबारा बोल रहा हूँ, the property by the virtue of which the liquid can rise easily and fall in a tube of a very small bore is called as capillarity, and this is the reason कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ the concept of capillarity। So what is capillarity is a property, is a phenomena shown by a liquid, जिसके तहत लिक्विड ये कहता है कि मैं किसी भी पतली सी ट्यूब में आसानी से एंटर कर सकता हूं, अगर मुझे प्रेशर लगा के खींचा गया तो और जल्दी एंटर कर जाऊंगा, लेकिन अगर प्रेशर लगा के नहीं खींचा गया तो मैं वैसे भी धीरे धीरे एंटर कर जाऊंगा। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जब स्ट्रॉ डालते हैं तो आधा लिक्विड स्ट्रॉ में ऑटोमेटिकली एंटर कर जाता है, लेकिन उसको प्रेशर लगाया जाए तो वो आसानी से और अच्छे से एंटर करेगा। यानी अगर कोई ट्यूब बहुत बड़ी हुई तो उसमें लिक्विड आसानी से एंटर नहीं कर सकता। अब मैं बात करता हूं उन सभी बच्चों के जिन्होंने केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया है। मैं नहीं जानता हूं कि आपने किया है कि नहीं किया है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री की लैब में टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी आप करेंगे, चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो या आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो। आपने देखा होगा टाइट्रेशन में हम लोग ब्यूरेट और पिपेट नाम की एक ट्यूब है जो कि लैबोरेटरी में इस्तेमाल की जाती है, और उस एक्सपेरिमेंट में एक पिपेट होता है, एक ब्यूरेट होता है। ब्यूरेट की मदद से आपको KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को खींचना होता है और उसमें डिप करना होता है ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन में, ताकि आप टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कर सको। ये केमिस्ट्री वाले बच्चे जल्दी कोरिलेट कर लेंगे, या वो बच्चे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। मैं उस बारे में ज्यादा डिटेल की बात नहीं कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि वो ट्यूब कितनी पतली होती है। तो पतली ट्यूब या पतले डायमीटर की कोई भी ट्यूब में लिक्विड आसानी से राइज करता है, और इसी को हम कहते हैं कैपिलैरिटी। क्या मैं कह सकता हूं लिक्विड ऊपर जा रहा है?
और ऊपर जाने को हम कहते हैं इंग्लिश में राइज करना, दूसरी भाषा में हम इसे कहते हैं असेंड करना। और इसका आखिरी बार अगर कहीं इस्तेमाल हुआ था तो क्लास 10th की बायोलॉजी के चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हुआ था। यह कहा जाता है अक्सर कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज विच प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स। क्वेश्चन आता है कैसे एक 50 फुट के ऊंचे पेड़ पर पानी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाता है, तो देर आर स्मॉल चैनल्स जिन्हें हम कहते हैं जाइलम वेसल्स एंड उन्हें हम कहते हैं ट्रैकीज़, स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिनमें से पानी आसानी से ऊपर राइज कर जाता है। और पानी की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रॉपर्टी हमें मिल रही है उसे हम कहते हैं कैपिलैरिटी, यानी पानी का उस ट्यूब के साथ जो प्यार है वो सरफेस टेंशन है, और उस प्यार के चलते जो वो राइज कर रहा है उसे हम कह रहे हैं कैपिलैरिटी। हो सकता है अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, या हो सकता है कि ना हो। अब आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो जो मैं बताने जा रहा हूं उससे दूर हो जाएगी। आप दीजिए अपना पूरा ध्यान, है मेरी गारंटी आपको नहीं होंगे कोई भी बच्चा जरा भी परेशान। तो चलिए मैं बोर्ड में ये सारी की सारी बातें अब मिटा देता हूं और कैपिलैरिटी एक्शन के बारे में, या मैं कहूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में जो सैप वर्ड है वो बायोलॉजी का वर्ड है जिसमें यह कहा जाता है कि लिक्विड जो होता है प्लांट्स के केस में, यानी वाटर एंड मिनरल जो होते हैं वो ऊपर राइज करते हैं जाइलम वेसल्स के थ्रू, उसी को हम कहते हैं लिक्विड का राइज करना, और उसी को बायोलॉजी में कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, और उसका फिजिक्स में इस्तेमाल किया गया है। दैट इज व्हाई दिस फॉर्मूला, बच्चा कहता है कौन सा फॉर्मूला, द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू डिराइव इज कॉल्ड एज एसेंट फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेशन ऑफ एसेंट फॉर्मूला। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो हम करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैपिलैरिटी एक्शन, मैं यहां पे लिख रहा हूं कैपिलैरिटी एक्शन, या सिंपल शब्दों में कहूं मैं आपको जो समझाने हूं जा रहा उसे हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ एसेंट फॉर्मूला। ये एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आता है, तो ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं आएगा, आपको समझ आना चाहिए। तो हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ एसेंट फॉर्मूला, और एसेंट फॉर्मूला की डेरिवेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने एक कंटेनर लिया, मेरी बात ध्यान सुना, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में एक लिक्विड है, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, पूरा लिक्विड भरा हुआ है, 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 पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब जनरली हम सबको बचपन से आदत है कि हम पानी ऐसे बनाते हैं, लेकिन मैं इस लिक्विड का जो अपर लेयर है, अपर लेयर इसे बिल्कुल ऐसा दिखा रहा हूं। आपको क्या लगता है बच्चों कि सारे लिक्विड इस तरह की लेयर बनाते हैं? नहीं, ये आपको मैं अपने दिमाग में डालने के लिए कहूंगा। कुछ लिक्विड क्या करते हैं, इस तरह से लेयर बनाते हैं, कुछ लिक्विड क्या करते हैं, इस तरह से लेयर बनाते हैं, तो इसे कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस, मेनिस्कस इसको मेनिस्कस कहा जाता है, इसे कहते हैं कॉनवेक्स मेनिस्कस, इसे कहते हैं कॉनवेक्स मेनिस्कस। यहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये बनता है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ऑब्ट्यूज, यहां पे ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है एक्यूट, तो ये थीटा यहां होता है और ये थीटा यहां होता है। ये चीज मैं आपको अभी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के टॉपिक में समझा चुका हूं। एक बच्चे ने कहा सर अब समझ आया कि आपने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात को पहले क्यों बताया, क्योंकि उस बात को आपने यहां पे घुसाया। बिल्कुल, मैंने उस बात को यहां यूज किया, तो मेरे लिए वो बात आपको समझाना बेहद जरूरी हो चुका था, तो मैं कैसे अपने आप को पीछे रख सकता था उस बात को बताने से। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है जहां पे लिक्विड ऐसा नहीं है और लिक्विड ऐसा नहीं है। एक बच्चे ने पूछा सर ऐसा भी होता है तो क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड का सॉलिड से जो होता है प्यार, वो लिक्विड का हवा से नहीं होता उतना प्यार। यानी इस केस में सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विद सॉलिड इज ग्रेटर देन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विद हवा। इस केस में सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विद हवा इज ग्रेटर देन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विद सॉलिड। वेरी सिंपल, यानी यहां पे वो लिक्विड अपने आप को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है उस सरफेस के साथ जिसमें उसे रखा गया है, यहां पे लिक्विड अपने आप को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है हवा के साथ,
एक बच्चा कहता है सर ऐसा भी तो कह सकते हैं कि यहां पे हवा का प्रेशर ज्यादा है, पॉइंट टू बी नोटेड बिलॉट, या हवा का प्रेशर कम होगा इसलिए लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है, ये बात भी आपको किताब में देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैं अपने आप को पीछे नहीं हट रहा हूं उस बात को बताने से, लेकिन फिलहाल जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो उस एग्जांपल में मैंने एक ऐसा लिक्विड लिया है जिसमें ऊपर का प्रेशर अंदर का प्रेशर है बराबर। बच्चा कहता है भाई कैसे, ऊपर तो हवा है अंदर तो पानी है। हाँ अंदर पानी है, यानी अगर मैं अंदर एक वॉटर की ड्रॉपलेट कंसिडर करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं let us consider a liquid with plain meniscus in a container where बाहर का pressure is equal to अंदर का प्रेशर। अब मैं यहां पर लिखता हूं let P be the external pressure, from outside, and plain meniscus के लिए, I repeat my sentence, plain meniscus के लिए this pressure must be equal to pressure of liquid drop from inside। जी हां, प्लेन मेनिस्कस के लिए दिस प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम इनसाइड, दैट इज बाहर का प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 2s/r। बेशक वेरी सिंपल, बाहर से जो लग रहा है वो P, अंदर से जो लग रहा है वो 2s/r, और क्योंकि दोनों बराबर तो बैलेंस्ड, इधर भी बैलेंस्ड। यानी अगर यहां पे कोई पॉइंट है A और यहां पे कोई पॉइंट है B, तो इनिशियली मैं यहां पे लिख सकता हूं इनिशियली प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैंने क्या किया, मैंने एक पतली सी ट्यूब ली और पतली सी ट्यूब को इस कंटेनर में डाला। लेट अस से कि मेरे पास ये एक पतली सी ट्यूब है और इस पतली सी ट्यूब को मैंने कंटेनर में डाला। आपको क्या लगता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे ही मैं इस पतली सी ट्यूब को थोड़ा सा और गहराई में ले जाता हूं, जैसे ही इस पतली सी ट्यूब को मैं कंटेनर में डालूंगा, द लिक्विड विल टेंड टू रश इनसाइड एंड suddenly I will see that this meniscus has now become like this, because यहां पे इकट्ठी हुई हवा लिक्विड पे प्रेशर बनाएगी। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं उस लम्हे की अगर हम बात करें जब एक कैपिलैरिटी ट्यूब को लिक्विड में डिप किया जाएगा, तब ट्यूब में इकट्ठा या ट्यूब में गैदर हुआ प्रेशर will try to dominate, dominate का मतलब उस पे भारी पड़ेगा, over liquid का pressure, that is now P is going to be greater than 2s/r। बिल्कुल सही, यानी अब बाहर का जो प्रेशर है वो P है, अंदर से जो प्रेशर था वो 2s/r है, और P 2s/r से क्या से ज्यादा होगा, क्या होगा, P 2s/r से ज्यादा होगा, क्योंकि P 2s/r को डोमिनेट कर रहा है। अब मुझे ये बताओ कि गुस्सा किसे आएगा। एक बच्चा कहता है गुस्से वाली क्या बात है इसमें, गुस्से वाली बात मतलब मैं मतलब समझा रहा हूं, पहले पानी और हवा बराबर बराबर थे,
अभी कौन जीत गया? हवा। कौन हार गया? पानी। तो आप बताओ गुस्सा कैसे? पानी को, क्योंकि हवा ने पानी को दबाने की कोशिश करी, डोमिनेट करने की कोशिश करी। तो आपको क्या लगता है कि बैलेंस करने की कोशिश कौन करेगा? भाई हवा तो ऑलरेडी पानी पे दबाव बना चुकी है, तो हवा को वापस ऊपर की तरफ कौन धक्का देगा? पानी धक्का देगा। और आपको मैं बताऊं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ये तो सिर्फ मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक पतली सी कोई भी ट्यूब लो, उसे लिक्विड में डालो। जैसे ही आप लिक्विड में डालोगे, आप नोटिस करोगे द लिक्विड विल एंटर इनटू दैट ट्यूब इमीडिएटली। इसका मतलब कि लिक्विड से बर्दाश्त नहीं हुआ कि उस ट्यूब में इकट्ठा हुआ पानी उस पर प्रेशर बना रहा था। यही तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, दैट द मोमेंट इट गेट्स अ ट्यूब ऑफ अ वेरी स्मॉल डायमीटर, इट एंटर्स इनटू इट इमीडिएटली टू कॉम्पनसेट द प्रेशर दैट द एयर वॉज ट्राइंग टू एक्सर्ट ऑन इट व्हाइल इट वॉज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन दैट। यानी किसी भी पतली सी ट्यूब में जब हवा इकट्ठा होके पानी पे प्रेशर बनाने की कोशिश करती है, तो पानी कहता है ट्यूब तू पतली सी है, तुझ में मैं सिमट सकता हूं और इसी का फायदा उठा के मैं तुझ में फैल सकता हूं, यानी ऊपर की तरफ राइज कर सकता हूं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैपिलैरिटी। अब आपको क्या लगता है कि उस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए ये लिक्विड, मैं इसका डायग्राम यहां बना रहा हूं, ये मत समझ लेना कोई दूसरी ट्यूब है, दिस इज नॉट दूसरी ट्यूब, यही वाली ट्यूब है। बस बता रहा हूं कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद यही लिक्विड अब यहां आ चुका होगा, यानी द लिक्विड हैज राइज इटसेल्फ टू हाइट एच। इस लिक्विड ने अपने आप को हाइट एच तक राइज किया, हाइट एच तक राइज किया। आई रिपीट माय सेंटेंस, मैं आप लिख रहा हूं, जब P will be greater than 2L by R, तब P खुद को 2S by R के बराबर करने के लिए, 2S by R के बराबर करने के लिए will rise to height H and height H की वजह से, हाइट H की वजह से जो प्रेशर आएगा दैट विल बी इक्वल टू H रो जी। ये तो आप जानते ही हो कि हाइट H की वजह से जो प्रेशर होता है वो H रो जी होता है। इसका मतलब सुनना मेरी बात, मैं ये वाली बात यहां लिख रहा हूं सुनना। यहां पे P इज इक्वल टू 2S अपॉन P इज इक्वल टू 2S बटा R, ये पहला केस। और थोड़ी देर बाद यहां लिख रहा हूं मैं, आफ्टर अ वाइल बेचारा पी जो है वो माइनस पे चला गया, यानी माइनस टू एस वायर हो गया। यानी पी कहता है मैं तेरे बराबर था लेकिन अब मैं तुझसे कम हूं। कितना कम हूं? जितना तू उस पे हावी, लेकिन मैं तेरे बराबर हो जाऊंगा। P कहता है मैं तेरे बराबर हो जाऊंगा। P माइनस टू एस बायर कहता है कि मैं तेरे बराबर हो जाऊंगा। हमने कहा वो कैसे? P कहता है मुझे वापिस से P बनना है। अबे P तू वापिस से P कैसे बनेगा? वो कहता है कि मैं राइज करूंगा ताकि मैं वापिस से P हो जाऊं। यानी P माइनस टू एस बाय आर वॉज द डिफरेंस, इस डिफरेंस में जो कमी थी वो इस राइज ने पूरी करी, जो लिक्विड राइज किया ताकि वापिस से P हो जाए। बात समझ आनी चाहिए आपको। अब अगर P माइनस टू एस बाय आर में राइज हुआ वापिस P होने के, तो राइज वाला प्रेशर कितना? H रो जी। सो देयरफॉर P माइनस टू एस बाय आर प्लस H रो जी वापिस से बन गया P, क्योंकि पहले भी था P, उसे बाद में भी रहना था P, उसने अपने आप को बनाना चाहा P। देयरफॉर P से P कैंसिल हुआ और हमें प्राप्त हुआ 2s by r is equal to h rho g। मेरे प्यारे 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 क्लास 11th के बच्चों, यहां से फॉर्मूला आता है मेरे पास, h is equal to 2s बटा r rho g। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द हाइट। आई रिपीट माई सेंटेंस, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द हाइट जो लिक्विड राइज करता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन
दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ हाइट जो लिक्विड राइज करता है, जो लिक्विड राइज करता है इन साइड द कैपिलैरिटी ट्यूब। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार मैं कहता हूं, दो बार अच्छे से, अगर आपको मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा देना बवाल। जानते हैं एक बच्चे ने क्या पूछ डाला, कहता है सर आपने जो ये हाइट ऑफ लिक्विड जो राइज किया इस कैपिलरी की ट्यूब में, इसको आप एसेंट फॉर्मूला बोल रहे हो क्या? नहीं बच्चों, ये एसेंट फॉर्मूला नहीं है, इसे एसेंट फॉर्मूला मत समझ लेना प्लीज, मतलब अभी बाकी है, हाँ थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। एसेंट फॉर्मूला इस बात को साबित करता है कि द हाइट टू विच द लिक्विड विल राइज इन एनी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दैट ट्यूब। मतलब अगर कोई ट्यूब पतली होगी जितनी ज्यादा, मतलब कि किसी भी लिक्विड का रेडियस होगा जितना कम, उस लिक्विड में या उस लिक्विड के द्वारा उस ट्यूब में जो राइज होगी हाइट, उस हाइट में होगा अपना दम। मतलब पतली ट्यूब में लिक्विड ज्यादा राइज करता है और चौड़ी ट्यूब में लिक्विड ज्यादा राइज नहीं करता। एक बच्चा कहता है मतलब आप कहना चाहते हो कि this height is going to be inversely proportional to the radius of the tube? हाँ बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूं। एक बच्चा कहता है कैसे कहोगे, आप तो वो निकाल चुके हो h, अब कैसे कहोगे? बिल्कुल कहूंगा। इस बात को साबित करने के लिए इस पूरी बात को एक बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जगह नहीं बची है तो मैं कुछ ना कुछ तो जरूर मिटाऊंगा, तब जाके आपको चीजें समझाऊंगा। अब एक बच्चा कहता है सर हाँ बात तो सही है, मिटाना तो पड़ेगा। तो आप एक बार नजर मान लीजिए बच्चों, अगर मेरे द्वारा अभी तक आपको जो मैंने समझाया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब कुछ समझ आ गया, तो अब जो अगला स्टेप है वो और भी आसान है, और भी आसान है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये देखो ये लिक्विड का मेनिस्कस है, ये लिक्विड का मेनिस्कस है। अगर ये मेनिस्कस है तो इस मेनिस्कस को मैं गोल कर सकता हूं। इस मेनिस्कस का मान लीजिए यहां कोई सेंटर है, फॉर एग्जांपल यहां कोई सेंटर है, सुनना मेरी बात, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे बन रहा है थीटा। एक बच्चा कहता है सर ट्यूब ऐसे गोल, उस ट्यूब में पानी ऐसे गोल। हाँ सही समझे, ये देखो दोबारा समझाता हूं, कोई भी ट्यूब कैसी होगी, ऐसे होगी, उसका रेडियस कैसा होगा, ऐसा, ऐसे ट्यूब होगी, उस ट्यूब में लिक्विड कैसा है, ऐसा, उस लिक्विड का सेंटर यहां और ट्यूब का सेंटर यहां, तो दोनों में कुछ तो दूरी होगी, दूरी है। आओ समझाता हूं कैसे, ये देखो कंफ्यूज मत होना, सब समझ आएगा। ये मेनिस्कस का सेंटर, अब मैं बात करता हूं ट्यूब की, ये ट्यूब का सेंटर, सुनना मेरी बात, यह काम करते हैं इसे यहां ना बना के थोड़ा नीचे बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये ट्यूब यहां पे, ये ट्यूब, तो ये ट्यूब का सेंटर, अगर ये ट्यूब का सेंटर तो ये डिस्टेंस है गेरा, एक डिस्टेंस गेरा, तो इसे मैंने कह दिया आर और इसे मैंने कह दिया छोटू आर। सुनना मेरी बात, ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैं दोबारा बताऊंगा, कहां बताऊंगा, जगह मिटा के बनाऊंगा। इसे मिटाया, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है, ये ट्यूब है और उस ट्यूब में ये लिक्विड का मेनिस्कस है, ये ट्यूब का सेंटर है, तो ट्यूब का सेंटर और ये ट्यूब का रेडियस। अब ये लिक्विड का मेनिस्कस मैंने पूरा कर दिया, इस लिक्विड का सेंटर यहां पे और उस सेंटर को मैंने ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे, उसे नाम दे दिया मैंने आर और ये परपेंडिकुलर ऐसे कर दिया, जो थीटा यहां बनता है वही थीटा यहां भी बनेगा। तो अगर ये ट्रायंगल आई है, अगर ये ओ है, ये जी है, तो इन ट्रायंगल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताने के लिए घबराओ मत, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos theta is equal to theta, तेरा बेस क्या है,
छोटू आर, तेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, कैपिटल आर। तो क्या मैं इससे बोल सकता हूं दैट कैपिटल आर इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा, वेयर दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, वेयर एज दिस इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, पहले देखो, तसल्ली कर लो भैया, आपके लिए तसल्ली होना और तसल्ली करना जरूरी नहीं है, बेहद जरूरी है। इसलिए मैं मौका देता हूं, बार बार हट जाता हूं स्क्रीन के आगे से कि मेरे बच्चों को सब कुछ दिखे। एक बच्चा कहता है ठीक है सर, आर की वैल्यू आ गई, इस आर की वैल्यू को अगर उठा के मैं यहां डालता हूं तो जानते हो क्या आएगा फॉर्मूला। एक बच्चा कहता है सर समझ गया क्या आएगा, जगह बना दो जरा, जगह बना दो। चलो जी हेडिंग बता देता हूं और सीधा फॉर्मूला यहां लिखता हूं। फॉर्मूला कम्स आउट टू बी एच इज इक्वल टू 2s बटा कैपिटल आर की जगह आर डिवाइड बाय कॉस थीटा और इनटू रो जी, और एच इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा बटा आर रो जी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं एसेंट फॉर्मूला। एक बार देखो, मैं कहता हूं दो बार घूरो, तीसरी बार समझो, चौथी बार बवाल मचा दो। अगर मन में आए कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा देना बवाल। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, साफ पता चल रहा है भाई। सरफेस टेंशन कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, कॉस थीटा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट आपके सामने, तो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां से साफ पता चलता है कि एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, हालांकि समझाने में काफी मिर्च मसाला हो गया, लेकिन इंडिविजुअली अगर आपने हर चीज पे अटेंशन दिया तो आपको सब समझ आएगा। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू 2s cos theta अपॉन r rho g, विच सिंपली प्रूव्स दैट द हाइट ऑफ अ लिक्विड that is going to rise in a capillary tube is inversely proportional to the radius of the tube. Jo hoga tube ka radius jitna kam, jo hoga tube ka radius jitna kam, us tube mein liquid ke rise mein aayega utna dam. Ji haan, mere pyare pyare class 11th ke bachcho. With this, I hereby announce the khatma of part 2 of unit बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का दूसरा भाग, जिसका नाम था और है और रहेगा हाइड्रोस्टैटिक्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, खत्म हो जाता है। इससे पहले मैंने सॉलिड्स खत्म कराया और अब मैंने हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म करा दिया। पूरी तरह से थ्योरेटिकल यूनिट है, न्यूमेरिकल तो फिर भी कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो कोई गम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाएंगे थ्योरी से वो कम नहीं। इसलिए इस यूनिट को मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तवज्जो नहीं देता। थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग, व्हाई, हाउ, गिव रीजन, डिराइव, एक्सप्लेन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आपने इस पे दिया होगा अपना पूर्ण ध्यान, ताकि मिल जाए आपको इस यूनिट का पूरा ज्ञान। सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, I hereby thank you for giving your precious time in watching this video lecture. और अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई इतना तो बनता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा अगले भाग के साथ। यूनिट खत्म नहीं हुई है, भाग आएगा, पार्ट थ्री ऑफ यूनिट बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स। लौट के आऊंगा और आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन।